देखो, अगर आप व्लॉगिंग करने के लिए सीरियस हैं, तो कम से कम 20,000 से 30,000 स्पेंड करना जरूरी हो जाता है। क्या है ना, दुनिया क्वालिटी मांगती है और कॉम्पिटिशन भी बहुत है मेरे दोस्त। तो आज कुछ ऐसे कैमरे देखेंगे जो शुरुआती व्लॉगर्स के लिए बेस्ट रहेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे DJI Osmo Pocket की। यह एक लौता ऐसा कैमरा है जिसको 2022 में फुल पैसा वसूल कैमरा बोल सकते हैं। DJI वालों ने एक्शन कैम और गिम्बल दोनों का मिक्स वर्जन बनाया है। पुराना मॉडल होने के कारण फिलहाल ये डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है। सिर्फ 21,990 के प्राइस में रियल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं और वो भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ। अगर मोबाइल फोन को अटैच कर दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे। जहां सभी कैम्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन मिल रहा है, वहीं इस डिवाइस में 3-axis गिम्बल लगा मिल जाता है। तो उछलते कूदते कैसे भी वीडियोस बनाओ, कोई शेक नहीं आने वाला। गिम्बल का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि हैंडल ग्रिप मिल जाता है। इससे बेसिक कंट्रोल्स आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गिम्बल है तो थोड़ा संभाल के भी यूज करना होगा, क्योंकि ये एक्शन कैमरे जितना स्ट्रांग नहीं होता। हालांकि केयरिंग पाउच दिया है कैमरे को संभाल के रखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बेटर रहेगा अगर आप इसको इंडोर वीडियोस बनाने के लिए कंसीडर करें, क्योंकि एक तो ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है, दूसरा नाइट के शॉट्स भी उतने क्लियर नहीं आते। तो ओवरऑल इंडोर वीडियोस बनाने के लिए ये कैमरा बेस्ट रहने वाला है, और आउटडोर यूज करने में दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के अगर लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाने हैं तो ये परफेक्ट रहेगा, और अगर फूड चैनल बनाना चाहते हैं तो भी इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ट्रैकिंग भी दिया हुआ है, जिससे अगर कभी होस्ट को लेफ्ट राइट मूव होना पड़े तो ये कैमरा उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। ये एक ऐसा अंडररेटेड कैमरा है जिसमें DJI Osmo एक्शन वाला सेम इमेज सेंसर लगा मिलता है, और उस एक्शन कैमरे का प्राइस अभी बहुत ज्यादा हो रखा है, इसीलिए इस महंगाई के जमाने में ये कैमरा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। रही बात एक्सटर्नल माइक लगाने के ऑप्शन की, तो यस, वो भी मिल जाएगा। अगर समझ में आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब जो नेक्स्ट कैमरा आएगा उसको बीट करना मुश्किल है। ये है GoPro Hero 8। कई सालों से ये ऑलराउंडर कैमरा बना हुआ है और इसका प्राइस भी कभी कम नहीं होता, और वो इसीलिए क्योंकि इनके लेटेस्ट मॉडल GoPro 10 और इस पुराने मॉडल GoPro 8 में 19-20 का ही फर्क है। जब बात आती है वीडियो क्वालिटी की, आज भी अंडर 30,000 में अगर क्रिस्टल क्लियर 4K रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें डिटेल्स भरपूर मिल जाए, तो इस कैमरे पे स्पेंड करना ठीक रहेगा। बहुत से पॉपुलर यूट्यूबर्स इसी कैमरे से व्लॉगिंग करते आ रहे हैं। इनफैक्ट हर कंटेंट क्रिएटर के बैग में एक GoPro रहता ही है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। इसमें वाइड एंगल लेंस लगा मिल जाता है जो व्लॉग्स बनाने के लिए जरूरी है। इससे बैकग्राउंड का मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। नेचर लवर्स जो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह कैमरा बढ़िया रहने वाला है। इस मॉडल को लॉन्च करने के बाद GoPro ने इमेज स्टेबिलाइजेशन का लेवल हाई कर दिया था। हालांकि है तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन ही, पर फिर भी इसमें सुपर स्मूथ वीडियोस निकल के आते हैं, और इसी वजह से सबका फेवरेट भी है। GoPro में एक एडवांटेज ये भी रहता है कि अलग अलग मोड्स अटैच करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, खास करके इनका मीडिया मोड वॉइस इंप्रूव करने के लिए एक्सटर्नल माइक का काम करता है, तो माइक लगाने की टेंशन भी नहीं रही। इसके अलावा बॉक्स में एक हेलमेट माउंट दे रहे हैं। दो स्टिकी माउंट्स मिलते हैं जिसमें से एक मेरे हेलमेट पे चिपका रहता है और दूसरा मेरे बाइक पे। बाइक राइड्स के अच्छे शॉट्स निकाले थे, पर फिर भी कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे फिर डस्ट हो या बारिश। और तो और सिंगल बटन से कैमरा शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, यानी बाइक चलाते चलाते वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी के माउंट्स आपको ऑनलाइन इजीली 1,000-1,200 में मिल जाएंगे। तो आज भी अच्छा कैमरा है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडोर आउटडोर दोनों के लिए कैमरा चाहिए तो Insta 360 Go 2 परफेक्ट रहेगा। ये छोटे कैमरे का भी छोटा वर्जन है, साइज में इतना स्मॉल है कि कहीं भी घुस जाता है, मेरा मतलब जहां रोशनी आती हो। इस कैमरे से सुपर क्रिएटिव शॉट्स निकाल सकते हैं, स्टेबलाइजेशन गजब की है और कलर्स भी काफी ब्राइट देखने को मिलते हैं। भले ये साइज में छोटा लगे, लेकिन ये आज के जमाने का एक्शन कैमरा है। इंस्टाग्राम रील्स जैसे वर्टिकल वीडियोस बनानी है तो ये कैमरा ठीक रहेगा। फिर कलर्स भी अच्छे आते हैं जो रील्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ बॉक्स में एक मैग्नेट पेंडेंट मिलेगा जिसमें मैग्नेटिक प्लेट लगी हुई है। सिंपली इस प्लेट को कैमरे पे स्टिक कर दीजिए। ये इतना हल्का है कि कहीं भी स्टिक हो जाता है। इसकी मदद से कैमरे को डैश कैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस दोनों रिकॉर्डिंग सिंगल चार्ज पे हो जाएगी, और एक बारी का फुल चार्ज इसके बैटरी केस से भी मिल जाएगा। जी हाँ, TWS ईयरबड्स की तरह इसमें भी बैटरी केस दे रहे हैं, जो कि कैमरे को चार्ज करने के अलावा मिनी ट्राइपॉड के काम भी आता है, प्लस रिमोट कंट्रोल भी बन जाएगा।
ये कुछ स्मार्ट इनोवेशंस हैं जो बस इसी कैमरे में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 32GB की बिल्ट इन स्टोरेज भी दे रहे हैं, यानी SD कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि SD कार्ड भी 256GB तक का सपोर्ट करता है, लेकिन बिल्ट इन 32GB मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि कैप्चर की हुई फोटोज या वीडियोज को आप सीधे मोबाइल पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कैमरे में स्पेस बचा रहता है। तो ओवरऑल काफी वर्सेटाइल कैमरा है जो हर तरह से काम में लाया जा सकता है। 100% वाटरप्रूफ भी है, बस एक 4K वीडियो मिसिंग है, पर वैसे भी 4K वीडियो फॉर्मेट बिगिनर यूट्यूबर्स के किसी काम का नहीं होने वाला, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन अगर आपको लगता है 4K के बिना काम नहीं चलेगा, तो DJI का Action 2 एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। इसमें Insta360 वाले सिमिलर फीचर्स भी मिल जाएंगे। एक्चुअली ये DJI का लेटेस्ट कैमरा है जिसमें Insta360 और GoPro Hero 10 दोनों के मिक्स फीचर्स दिए गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, लेटेस्ट GoPro 10 वाले फ्लैगशिप फीचर्स इस कैमरे में देखने को मिलते हैं। शुरू करें वीडियो रेजोल्यूशन से, तो 4K मिलेगा और वो भी 120 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ, विच इज रियली अमेजिंग। इससे सिनेमेटिक स्लोमो शॉट्स आएंगे, देखने में वीडियो स्मूथ लगेगा और तो और वन ऑफ द बेस्ट इमेज स्टेबिलाईजेशन भी मिल जाएगा। ये तो बात हुई उन फीचर्स की जो GoPro 10 से निकाले गए हैं। इसके अलावा Insta 360 का मैग्नेटिक अटैचमेंट भी इसमें आ जाता है, जिसकी मदद से इसको वेबकैम या डैशकैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहीं पे सेम 32GB की बिल्ट इन स्टोरेज इसमें भी दे रहे हैं, यानी बाद में फाइल्स को मोबाइल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर इसके साथ मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, जिसको कैमरे के साथ अटैच करना होता है। एक पावर मॉड्यूल इसके बॉक्स में साथ आ जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट फीचर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इन सब के बावजूद इसकी बिल्ड क्वालिटी GoPro से कम नहीं है। ऑफ कोर्स एक तो मेटल बॉडी दे रहे हैं और साथ में 100% वाटरप्रूफ भी है, यानी इसको मोटो व्लॉग्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रही बात वॉइस रिकॉर्डिंग की, तो कोई सा भी USB-C माइक ले आओ, लग जाएगा। इनफैक्ट वायरलेस माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट डिजाइन में हाई रेजोल्यूशन वीडियो चाहिए तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेटेस्ट कैमरा है जिसमें पावरफुल प्रोसेसर भी लगा है। पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये कुछ गिनती के एक्शन कैमरे हैं जिनपे स्पेंड करोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा। और हाँ, जल्दी बाय कर लेना, क्योंकि प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं। पर कौन सा कैमरा लेना बेस्ट रहेगा, तो देखिए, अगर ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, मेरा मतलब है अगर घर के अंदर के ही वीडियोस निकालने हैं, बच्चों को खेलते हुए कैप्चर करना है, या फिर फैमिली फंक्शंस में यूज करना चाहते हो, तो ऐसे में DJI पॉकेट एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा निकल के आता है। इनफैक्ट फूड चैनल के लिए भी ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा। वहीं पे अगर आउटडोर वीडियोस निकालने हो, जहां पे वाइड एंगल लेंस चाहिए होता है, या जब ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाने की जरूरत पड़े, तो GoPro Hero 8 परफेक्ट रहेगा। इसको तो मैं सभी व्लॉगर्स के लिए सजेस्ट करूंगा, बल्कि मोटो व्लॉगिंग के लिए भी ये बेस्ट कैमरा है, थैंक्स टू इट्स टफ बिल्ड क्वालिटी, जैसे मर्जी यूज करो। लेकिन अगर इंस्टाग्राम रील्स बनानी है या यूट्यूब शॉर्ट्स, तो Insta 360 Go अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये इंडोर आउटडोर दोनों के लिए बढ़िया रहता है। वहीं फूड चैनल के लिए भी Insta 360 कमाल के शॉर्ट्स निकाल के दे देगा। रही बात Insta 360 के रेजोल्यूशन की, जो कि 4K नहीं है, तो देखो यार, वीडियो अपलोड करने के लिए 1080p बिल्कुल परफेक्ट रहता है, डेटा भी ज्यादा नहीं लगता और प्रोसेसिंग भी फास्ट रहती है। वहीं 4K फाइल्स कई GB की होती है, यानी एक तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेगा ही लगेगा, और फिर 4K फाइल्स एडिट करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर या लैपटॉप भी चाहिए होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि 1080p ही बेस्ट रहने वाला है। इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारी कोशिश रहती है आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट करवाना। मेरा नाम है पंकज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली टेक वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।